लॉकडाउन है ना, बहुत ही काम करने का मन है। ये भी यहाँ पर अरे ये क्या है, चलो पढ़ के देखता हूँ। मेरा नाम सोहम आनंद दिराड़े है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे पाठशाला का नाम विवेकानंद प्रतिष्ठान इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आज मैं आपके सामने गांधी जी के व्यक्तित्व और उनके जीवन के ऊपर एक पत्र अभिनय सादर करके दिखाऊंगा। अरे अभी मुझे याद आया, मैं जब छोटा था ना, मैंने गांधी जी के ऊपर एक पत्र अभिनय किया था, ये उसकी स्क्रिप्ट है। अब मैं आपको गांधी जी के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के छोटे से शहर में पोरबंदर में हुआ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी महान स्वतंत्रता सेनानी थे। करो या मरो वो अंग्रेजों, भारत छोड़ो, गांधी जी ने हमें एक महान नारे दिए। गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। अभी मुझे गांधी जी की सीख याद आई। अब मैं आपको एक पात्र अभिनय के द्वारा वे करके दिखाऊंगा। बहुत पहले की बात है, गांधी जी अपने आश्रम में रहा करते थे। एक दिन वह एक औरत आई और कहने लगी, बापू बापू मेरे बेटे को दूसरे बच्चों को मारने की आदत है, क्या आप कुछ कर सकते हो? बापू ने कहा, ठीक है, धन्यवाद बापू, धन्यवाद। बेटे तुम मेरे साथ चलो। क्या तुम्हें वो छोटा सा पौधा दिख रहा है? हाँ बापू। क्या तुम उसे जड़ से उखाड़ सकते हो? हाँ बापू। देखो बापू, मैंने इसे जड़ से उखाड़ दिया। ठीक है चलो आगे। क्या तुम्हें वो थोड़ा सा बड़ा पौधा दिख रहा है? हाँ बापू। क्या तुम उसे भी जड़ से उखाड़ सकते हो? हाँ बापू। देखो बापू, मैंने इसे भी जड़ से उखाड़ दिया। ठीक है आगे चलो। क्या तुम्हें वो थोड़ा सा बड़ा पौधा दिख रहा है? नहीं बापू, वो पौधा नहीं है। हाँ वो पेड़ है। क्या तुम उसे जड़ से उखाड़ सकते हो? नहीं बापू, उसकी गहरी बहुत ही गहरी है, मैं उसे नहीं तोड़ सकता। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ बेटे, जैसे तुमने पहला पौधा तोड़ा, तुमने वो पौधा आराम से तोड़ दिया, मतलब तुम अपनी उस आदत को आराम से छोड़ सकते हो। बाद में तुमने थोड़ा सा बड़ा पौधा तोड़ा, उसको तोड़ने में तुम्हें बहुत ही ताकत लगानी पड़ी, मतलब तुम अपनी उस आदत को छोड़ने में बहुत ही समय लगा दोगे। बाद में तुम वो छोटा सा पेड़ नहीं तोड़ सके, मतलब तुम अपनी उस आदत को कभी भी नहीं छोड़ सकते। मेरी सलाह मानो, तुम अपनी उस आदत को अभी के लिए छोड़ दो। मुझे माफ कर दो बापू, मुझे सब समझ आ गया, मैं मेरी यह आदत अभी कभी छोड़ रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। ठीक है, तो है था मेरा एक पात्र अभिनय गांधी जी के व्यक्तित्व और उनके जीवन के ऊपर। जय हिंद।